हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे राज्यसभा एमपी स्प्लिट इनटू लाफ्टर एज कौन रामदास अठावले लॉन्चेस पोएटिक कॉमिक जाइब ऑट कांग्रेस। चलो मजा लेते हैं। हमने देखा तो था इनको बैठे हुए जब मोदी जी ने भाषण दे रहे थे, तो हमने इनको भी देखा था बैठे हुए। आते हैं ये, नहीं तो कई होते हैं ना जो प्रेजेंट ही नहीं होते, बस नाम के बने हुए होते हैं। ये इंपॉर्टेंट टाइमों में जब भी मोदी जी होते हैं, ही इज ऑलवेज देयर। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, मजे लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को जितनी गालियां देना है वो दे दो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इतना मजबूत आदमी है, गालियां उधर से उधर निकल जाती है। मोदी जी का नारा है सबका विकास सबका साथ, फिर कैसा होगा मजबूत कांग्रेस का हाल। नरेंद्र मोदी जी करते हैं मन की बात, लेकिन कांग्रेस वाले करते हैं धन की बात। मोदी जी की तरफ है सारे दुनिया का ध्यान, लेकिन 2024 के चुनाव में इंडिया अगाड़ी पर जनता लगाएगी बैन। ये मैच नहीं गया। नीतीश कुमार जी ने दे दिया है इंडिया अगाड़ी को धक्का, और हमारा 2024 में 400 पार होने का मिशन हमारा हो गया है पक्का। 2024 में अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, और कांग्रेस की होने वाली है हार। सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ये चर्चा चल रही है, और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था 10 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने किया हुआ काम। उसके लिए हमें नहीं चाहिए खाली नाम, हम तो करते हैं जनता के लिए काम। तो आदरणीय राष्ट्रपति की जी का अभिभाषण बहुत ही अच्छा था, देश विकास की दिशा से आगे जा रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में प्रगति हो रही है, दलित हो आदिवासी हो किसान हो युवा हो गरीब हो सभी जाति धर्मों के लोगों को न्याय देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। सर, आप जानते हैं कि देश का राष्ट्रपति पद बहुत बड़ा होता है। पहला राष्ट्रपति पद आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को मिला, दलित समाज के थे। दूसरा राष्ट्रपति पद आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को मिला, वो आदिवासी समाज की है। इनकी शर्ट सीट के कपड़े से मैच कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी समाज के बने, मध्य प्रदेश में डिप्यूटी सीएम दलित समाज के बने, और राजस्थान में ब्राह्मण समाज को भी मौका दिया। हमारी सरकार सभी जाति वर्गों को न्याय देने का काम करती है। नहीं, जिसमें हुनर है उसको करेंगे जाति वाती। कांग्रेस वाले तो आरोप लगाते रहते, उनको आरोप लगाने का काम ही है। वही काम वो करते रहे, हम सत्ता में हमारा काम करते रहेंगे। जितना आरोप करना उतना आरोप करिए, आरोप के लिए हम डरने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को जितनी गालियां देना है वो दे दो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इतना मजबूत आदमी है, गालियां उधर से उधर निकल जाती है। इसलिए मतलब गलत काम करने का काम इनका है। मोदी जी का नारा है सबका विकास सबका साथ। सर, मोदी जी का नारा है सबका विकास सबका साथ, फिर कैसा होगा मजबूत कांग्रेस का हाल। नरेंद्र मोदी जी करते हैं मन की बात, नरेंद्र मोदी जी करते हैं मन की बात, लेकिन कांग्रेस वाले करते धन की बात। मोदी जी ने मजबूत किया है संविधान। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहे हैं। तो मोदी जी ने मजबूत किया है संविधान, इसलिए देश की बढ़ रही है शान। मैं भी कर देती हूँ इनका वो राइमिंग। मोदी जी की तरफ है सारे दुनिया का ध्यान, मोदी जी की तरफ है सारे दुनिया का ध्यान, लेकिन 2024 के चुनाव में इंडिया अगाड़ी पर
जनता लगाएगी बैन। और इसी तरह मतलब हम सब लोग काम कर रहे हैं। ये लोग बोलते हैं कि भाई संविधान बदलेंगे, संविधान कैसा बदल सकता है सर? चेयरमैन सर, संविधान इतना मजबूत है, मोदी साहब और हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को मजबूत कर रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने 2 बार बाबा साहब अम्बेडकर जी को हराया था मुंबई से और भंडारा से, जिस कांग्रेस पार्टी ने दलितों के संबंध में कभी अच्छा विचार नहीं किया था इसलिए दलितों को धक्का दिया, और अभी जिस तरह हमारे नीतीश कुमार जी ने दे दिया है इस्तीफा इंडिया गाड़ी को धक्का नीतीश कुमार जी ने दे दिया है इंडिया आघाड़ी को धक्का, और हमारा 2024 में 400 पार होने का मिशन हमारा हो गया है पक्का। तो 400 पार करने में भी दिक्कत नहीं है। अभी जिस तरह वहां जम्मू काश्मीर ने 370 कलम हटाया, अभी बीजेपी 370 सीट जीतेगी, मेरी भी सीट 1-2 सीट जीतेगी अगर मुझे मौका देते तो इसलिए मतलब इस तरह हम अच्छा काम कर रहे हैं। अगर अच्छा काम कर रहे तो भी विरोध करते हैं। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारे समाज के उनके बारे में हमको आदर है। उनको अपोजिशन लीडर तो बनाया, यहाँ पार्टी का अध्यक्ष भी अभी थोड़ा बनाया, उनको अच्छी बात है थोड़ा बनाया, लेकिन जब कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया था तब नहीं बनाया, तब उनको मुख्यमंत्री बनाया नहीं। लेकिन इसी तरह मतलब हमारे खड़गे साहब बोलते हुए संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, ये भजिया खाते बैठते हैं और हमको बोलते हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान की धज्जा कहीं छोड़ सकती है? जिस नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन को इतना अच्छा संसद भवन बना है, लोकसभा राज्यसभा इतनी बड़ी भवन गई है, वही तो। जब मैं राज्यसभा में आता हूँ तो मुझे लगता है मैं लोकसभा में आया हूँ, इतना बड़ा ये मतलब हॉल इतना भवन गया है। और इसी तरह मतलब बोलते हुए संविधान बदलेगी, जिस माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन को संविधान सदन नाम दे दिया है, जिस नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का ड्राफ्ट जो है ये ड्राफ्ट दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, और हम जानते हैं कि संविधान में सबका योगदान है। लेकिन कांग्रेस के एक नेता है, कांग्रेस के इंटरनेशनल नेता, उन्होंने ट्वीट किया है और उसमें ये बोलते हैं कि संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी से ज्यादा योगदान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। हम बोलते हैं उनका भी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी योगदान उसमें है, लेकिन जब 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ड्राफ्ट जब उनके सामने दे दिया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मुंह से उद्गार निकले थे, डॉक्टर अम्बेडकर आप ही संविधान के सही आर्किटेक्ट है, आप ही सही शिल्पकार है। जब संविधान का नाम आता है तो बाबा साहब का नाम आता है, या मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी घंटी बजाने के लिए आ गया है। इसीलिए हमको पंडित नेहरू जी के बारे में आदर है, वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, कुछ नहीं किया ऐसा नहीं, उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा काम किया है, कांग्रेस वालों ने भी काम किया है, लेकिन जितना करना चाहिए था उतना किया नहीं। भ्रष्टाचार देश में बढ़ाने का काम किया, गरीबों को उध्वस्त करने का काम किया। नरेंद्र मोदी जैसा एक बहुत एक स्ट्रांग आदमी उनके खिलाफ खड़ा हुआ और उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार का चकनाचूर करने का काम उन्होंने किया और जनता ने उनको सत्ता पर बिठाया है। और इसीलिए 2024 में अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार और कांग्रेस की होने वाली है, मतलब इसमें हार उनकी होने वाली है, और इसीलिए हम सब लोग मिलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, 3 अक्टूबर 1957 को वही पार्टी स्थापित हुई थी और इस पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ, और मेरी पार्टी मोदी साहब के साथ हमेशा रहेगी जब तक मतलब मोदी जी स्ट्रांग है और हम सब मिलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह मतलब मैसेज फ्रॉम लोकसभा। हाँ, तो इसीलिए मतलब मैं जैसा अभी भाषण पर जो चर्चा चल रही है तो भाषण पर थैंक यू सुना था लास्ट में कि जब तक मोदी जी स्ट्रांग है तब तक हम उनके साथ हैं।
ये सब जो होते हैं दूसरी पार्टियों के, वो तो सब इसीलिए इसका मतलब आते हैं कि भैया जब तक हमें भी ये स्ट्रांग है इनकी पार्टी के साथ हो जाते हैं ताकि हमें भी कोई सीट वीट या कुछ फायदा हो जाएगा, और जब स्ट्रांग नहीं है तो फिर हम दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। ठावले जी से किसी को ये पूछना चाहिए कि आप देश के बारे में प्रॉब्लम्स के बारे में कब कुछ भी नहीं बात करते, हमेशा ऐसी बस जब भी हमने सुना है बस ये पार्टी ग्रेट है, ये गंदा है, ये पार्टी ग्रेट है, जो एक्चुअल कंट्री की प्रॉब्लम उसके बारे में कब बात करें। वही ऐसी बात कर, कंट्री की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, मैं नया आइडिया लेके आया हूँ, मैं ये लेके आया हूँ, मैं वो लेके, वो कुछ नहीं, बस यहाँ पे ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा है बुरा, बस मैं एक बंदे की पार्टी हूँ, दो बंदे की पार्टी हूँ, मैं इस पता नहीं अपनी पार्टी का नाम दे देते और रिपब्लिकन पार्टी, आप रिपब्लिकन पार्टी से आया हूँ, मेरे को अगर मेरे को मौका मिलता तो मैं फिर से आता, पर मेरे को मौका नहीं मिला, मुझे लगता है मोदी जी ने मौका नहीं दिया इस बार, ऐसा कुछ लग रहा है। देश के हित के बारे में बात नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं, हमेशा ऐसी बात करते हैं, सिर्फ इसी पोएम बना देते हैं, पोएम में हर बार ऐसी होता है, कई कई लाइनें मैच करती है, कई लाइनें बिल्कुल भी राइम नहीं करती हैं, पर कोशिश एक पूरी करते हैं और एंड में ये घबरा जाते हैं क्योंकि वो घंटी बजा बजा के इनको घबरा देते हैं, फिर इनके मुंह से पता नहीं क्या अनपशनप निकलने लग जाता है, जैसा भी निकल गया ना, जब तक मोदी जी स्ट्रांग है हम उनके साथ है, मैंने कहा है ये क्या बोल दी, ये बोलना चाहिए कि जब तक मोदी जी हम तुम मोदी जी के साथ हैं, ये मतलब स्ट्रांग है। नहीं पर वो अच्छा था कि इस बारी 400 पार और कांग्रेस की हार, कमाल था, बेस्ट था। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।